हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले फिनोटेक्स केमिकल के बारे में। आज जबरदस्त गिरावट हुई है शेयर में और इस गिरावट में जबरदस्त डिलीवरी भी हुई है। बहुत सारे लोगों ने माल उठाया इस शेयर में। अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड कीजिए आप इसको। आप गिरावट में अभी डर के मारे बेच मत दीजिए इस शेयर में। आप देख सकते हो आज के दिन जबरदस्त गिरावट हुई है, अच्छी खासी गिरावट हुई थी। 10% का लोअर सर्किट लगने ही वाला था, मगर मार्केट क्लोज होते होते आप देख सकते हो इसमें अच्छी खासी डिलीवरी ले ली है लोगों ने और 319 रुपीज पे क्लोज हुआ ये शेयर। और देखिए इसकी अर्निंग, अभी इसके रिजल्ट पेश नहीं हुए, बस लोग बोल रहे कि इसके कमजोर रिजल्ट आने वाले। रिजल्ट तो अभी तक आए नहीं और रिजल्ट के पहले ही किसको पता होगा आज खरीदा है, प्रमोटर ने खरीदे ये शेयर। और देख सकते हो आप Q2 23 का इनका रिजल्ट का शेड्यूल है 7 नवंबर को। अभी 2-4 दिन बाकी है इनके रिजल्ट आने में और पहले ही ये शेयर गिर रहा है। तो लोगों को लगा कि रिजल्ट कंपनी के खराब आने वाले, तो लोगों ने अभी अपनी इतनी गिरावट के बाद डर के मारे बेच भी दिया होगा कई लोगों ने। मगर आपके पास शेयर है तो आप होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए इस शेयर। और आप अभी गिरावट मिलती है तो आप अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करने की कोशिश कीजिए इस शेयर की। और देखिए इसमें बिग शार्क इन्वेस्टर है आशीष कचुलिया, 2.64% का स्टेक है इनके पास। और सेकंड नंबर के बिग शार्क इन्वेस्टर इसमें सुरेश कुमार अग्रवाल, 1.26% का स्टेक है इनके पास भी। और देखिए प्राइस परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न बना के दिए अपने शेयर होल्डर को। 3 सालों में कंपनी ने 1092% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए, जबरदस्त रिटर्न बना के दिए इसने अपने शेयर होल्डर को। तो थोड़ी सी गिरावट में आप डर मत जाइए, थोड़ी सी गिरावट के बाद ये शेयर जरूर बाउंस बैक करेगा। तो इस शेयर में आप बने रहिए अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो इस गिरावट का फायदा उठाइए और इसे एक्युमुलेट करने की कोशिश कीजिए इस शेयर को। और देखिए फिनोटेक्स केमिकल काम करती है स्पेशलिटी केमिकल्स में, एंजाइमी, वेरियस इंडस्ट्रीज एंजाइमी प्रोवाइड करती है, टेक्सटाइल, गारमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लेदर, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल, एडेजिव, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये अपना केमिकल प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी जबरदस्त बिजनेस कर रही है और आगे जाके ये कंपनी आपको जबरदस्त बेनिफिट दे सकती है और मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है आपको। और देखिए आप सिक्योरिटी बाय में देखोगे तो क्वांटिटी देखिए आप कितनी ट्रेड हो चुकी है इसमें, 4,58,000 क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है और आज के दिन लगभग 10 लाख के आसपास डिलीवर हो चुका है। 40% डिलीवरी है आज शेयर में, तो जबरदस्त डिलीवरी है इस शेयर में। गिरावट का फायदा उठाया लोगों ने और अक्यूमुलेट किया इस शेयर को, तो ऐसे ही गिरावट का फायदा उठाइए। अगर आपके पास नहीं है तो कल अगर ये और नीचे खुलता है तो जरूर खरीदिए, मगर ये कल गैप अप ओपनिंग के चांसेस है क्योंकि ये ऊपर खुल सकता है कल के दिन। और अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैप है 3,545 करोड़, तो स्मॉल कैप कंपनी है, इसका फेस वैल्यू 2, ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकती है और ऑलरेडी कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया है, आगे देखेंगे। और अभी कंपनी का रेवेन्यू देखिए, कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मोड में और अभी 22 में कंपनी ने 368 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो कर रही है और 22 में कंपनी ने 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और अभी देखिए कंपनी ने 2014 में 1:1 का बोनस दिया था और 2015 में कंपनी ने फेस वैल्यू 10 का 2 कर दिया, तो लगातार 2 साल कंपनी ने स्प्लिट और बोनस दिया और ये कंपनी आगे भी स्प्लिट बोनस दे सकती है। और अभी हम आते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 65%, FII है 1% और DII 3% के आसपास है और पब्लिक है 30%। तो पब्लिक ने जबरदस्त माल उठा रखा है, तो बस आपको होल्ड करना है इस शेयर को। आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके जरूर देगा। और देखिए DII 4% है, 6% से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, 4% तक आ चुके हैं DII। और देखिए एक साल, जिसने भी इस शेयर को एक साल पहले खरीदा है वो अभी भी 160% के रिटर्न पे बैठा हुआ है। तो छोटी सी गिरावट से डरिए मत, इस शेयर में बनी रहिए। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए और नहीं है तो इस गिरावट का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और पिछले 5 सालों में कंपनी ने 756% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए और मैक्सिमम देखोगे तो मल्टीबैगर रिटर्न दिए शेयर ने। अब देखिए 2015 में ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और कंपनी ने 7 सालों में ही 1200% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। हर साल कंपनी ने 200% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए लगभग। तो ये मल्टीबैगर स्टॉक है और लॉन्ग टर्म ये आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अगर ये शेयर आपके पास है तो होल्ड कीजिए और नहीं है तो गिरावट में खरीदने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।